26 जनवरी 2018 को रिलीज होने वाली थी फिल्म चंदा मामा दूर के, जिसके लिए सुशांत सिंह राजपूत ने तैयारी भी शुरू कर दी थी। फिल्म की शूटिंग जुलाई से शुरू होने वाली थी, फिर उसे आगे बढ़ाकर अक्टूबर कर दिया गया। लेकिन अफवाहों की माने तो अब यह फिल्म डिब्बा बंद होने के कगार पर आ चुकी है। इसी वजह से सुशांत अब बीच में ही सारा अली खान के साथ केदारनाथ की शूटिंग करने लग गए हैं, जो कि 2018 में रिलीज होगी। बता दें, चंदा मामा दूर के फिल्म के लिए 70 करोड़ से ऊपर का बजट तैयार किया गया था। वहीं फिल्म का निर्देशन भी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक संजय पूरण सिंह कर रहे थे। बहरहाल अब क्या बात हुई, यह तो बाहर नहीं आया है, लेकिन फिल्म बीच में ही लटक चुकी है। बहरहाल यहां जानने और कौन सी फिल्में हैं जो सुपरस्टार्स होते हुए भी कभी नहीं बन पाई। रोमियो अकबर वाल्टर RAW फिल्म 2018 में आने वाली थी। 1971 की कहानी कहती इस फिल्म में सुशांत रॉय एजेंट की भूमिका अदा करने वाले थे, लेकिन बता दें अब यह फिल्म डिब्बा बंद हो चुकी है। गुड महाराजा संजय दत्त की यह बायोपिक फिल्म भी पोस्टर रिलीज होने के बाद डिब्बा बंद हो चुकी है। 10 सलमान खान संजय दत्त की फिल्म 10 आज तक अधूरी ही है। दरअसल फिल्म बनाने के दौरान बीच में ही फिल्म के निर्देशक मुकुल आनंद की मौत हो गई, जिस वजह से फिल्म डिब्बा बंद हो गई। इस फिल्म में सलमान संजय दत्त के साथ रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी भी मुख्य किरदारों में थे। शुद्धिकरण जौहर ने बड़े जोर शोर से अपनी इस ड्रीम प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। पहले ऋतिक फिर सलमान और वरुण को फाइनल किया गया, लेकिन अफसोस फिल्म डिब्बा बंद हो चुकी है। तालिस्मान अमिताभ बच्चन की इस फिल्म का तो टीजर तक रिलीज कर दिया गया था, लेकिन फिल्म बंद हो गई। टाइम मशीन शेखर कपूर आमिर खान को लेकर फिल्म मिस्टर इंडिया का सीक्वल बनाना चाहते थे। नाम था टाइम मशीन, लेकिन फिल्म आज तक नहीं बन पाई। फिल्म में आमिर नसीरुद्दीन शाह और रवीना टंडन मुख्य किरदारों में थे। सरफरोश मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन के साथ सरफरोश नामक फिल्म पर काम कर रहे थे। इस फिल्म में बिग बी के साथ ऋषि कपूर, परवीन, बॉबी कादर खान थे। इंडियन पहलाज निगलानी की इस फिल्म में पहली बार सनी देओल और ऐश्वर्या राय साथ दिखने वाले थे। फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी गई थी। फिल्म में सनी डबल रोल में थे, एक आतंकवादी का और एक आर्मी ऑफिसर का।